Subscribe and click the bell icon for all the television updates. कास्टिंग काउच एक ऐसा शब्द बन गया है जिसे अब इंट्रोड्यूस करने की भी जरूरत महसूस नहीं होती। काम देने का लालच देकर एक्टर्स का फायदा उठाने वालों की टीवी और बॉलीवुड में कमी नहीं है। आज ऐसी ही एक कहानी टेली मसाला आपको सुनाने जा रहा है। क्या आपको खिचड़ी सीरियल की चक्की याद है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस ऋचा भद्रा की, जिन्होंने हाल ही में खुलासा किया है अपने टीवी इंडस्ट्री से गायब होने के कारण का। ऋचा ने खिचड़ी के अलावा मिसेस टेंडुलकर और बा बहू और बेबी जैसे शोज में काम किया है। फिर अचानक क्यों हो गई थी ऋचा टेलीविजन से गायब? इसका जवाब ऋचा ने खुद दिया है। हाल ही में ऋचा ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, आई केम अक्रॉस अ कास्टिंग डायरेक्टर हु सेड कीप मी हैप्पी एंड आई विल गिव यू वर्क। ही वांटेड टू मीट मी एट अ होटल व्हेन आई सजेस्टेड मीटिंग एट अ कॉफी शॉप। दैट वॉज द एंड टू ऑल माई एस्पिरेशंस व्हिच आई हैड इन द इंडस्ट्री। I didn't want to ruin the image which I had built as a child actor. इसके अलावा ऋचा ने दूसरे कारणों के बारे में बात करते हुए बताया, I have always been a plum girl. During my growing up years, I was being offered roles where I had to expose or romance on screen. I didn't want to go against my family and or my will to take up such roles just for fame. Well, ऋचा के इस चौंका देने वाले बयान के बारे में आपका क्या कहना होगा? कमेंट्स में जरूर बताएं।